स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आइए देखते हैं देश और दुनिया से आई खबरें जीएनटी एक्सप्रेस में। आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में टेकेंगे मत्था। ग्रेटर नोएडा और दादरी में भी जनसंपर्क अभियान के जरिए करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग तेज। पश्चिम यूपी की चुनौती पार करने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में की जाट नेताओं से मुलाकात। जाट नेताओं को अमित शाह ने दिलाई बीजेपी के समर्थन की आज। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बोले, हमने गलती की तब भी आपने साथ दिया। जाटों की बैठक में अमित शाह ने किया जयंत चौधरी का जिक्र। बोले, हम भी चाहते थे उनका साथ लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। जाटों के साथ बैठने में अमित शाह ने गिनाए योगी सरकार के काम। पूछा, अखिलेश की सरकार लाओगे क्या? अमित शाह की बैठक में बाद बीजेपी का बड़ा दाव। परवेश वर्मा बोले, पहले भी दिया है और इस बार भी समर्थन देंगे जाट समुदाय। एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। अमित शाह के सामने जाटों ने रखी अपनी समस्याएं। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर भी हुई चर्चा। जाट समाज जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, पूरी तरह से हो, प्रदेश में भी हो और देश की सरकार में भी हो, ये मुख्य मुद्दे थे जाट समाज के। दिल्ली में परवेश वर्मा के घर पे हुई जाटों के साथ अमित शाह की बैठक। संजीव बालियान और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। अमित शाह के ऑफर का जयंत चौधरी ने दिया जवाब। ट्वीट कर बोले, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवार को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। पश्चिमी यूपी में करीब 17% हैं जाट मतदाता। 45 से 50% ऐसी जहां जाट वोटर ही तय करते हैं जीत हार। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं जाट वोटर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 89 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। 37 महिलाओं को मैदान में उतारा। चित्रकूट से कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी निर्मला भारती। जहानाबाद से कमला प्रजापति उतरेंगी मैदान में। कांग्रेस ने यूपी में अब तक कुल 255 उम्मीदवार घोषित किए जिसमें 103 महिलाओं को कांग्रेस ने दिया टिकट। गणतंत्र दिवस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के नाम लिखी चिट्ठी। योगी सरकार को बताया निर्दयी। अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का नया दावा। बोले, संपर्क में है बीजेपी के कई मंत्री, सीट का कर रहे हैं इंतजार। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर में प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किया। बोले, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अजय लल्लू बोले, गरीब के बेटे के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से थी दिक्कत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की सीट में बदलाव। रावत रामनगर नहीं बल्कि लाल कुआं से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की लिस्ट में दिखी परिवारवाद की झलक। पार्टी ने हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार रूरल से दिया टिकट। महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से पार्टी ने बनाया कैंडिडेट। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भरेंगे नामांकन। खटीमा विधानसभा सीट से मैदान में है सीएम धामी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को कोटद्वार से मैदान में उतारा। पहली सूची में काटे गए थे 10 विधायकों के टिकट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में होगा 14 फरवरी को मतदान। 10 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। आरपीएन सिंह को लेकर धनबाद में विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पे पोती कालिक।
आज से पंजाब में प्रचार की कमान संभालेंगे राहुल गांधी। 117 उम्मीदवारों के साथ हरमिंदर साहिब के लंगर में लेंगे हिस्सा। पंजाब के कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे राहुल गांधी। जालंधर के लोगों के लिए वर्चुअल रैली। अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया, बोले मैं कभी नहीं था फरार। देश के सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार होंगे 90 साल के ऊपर के प्रकाश सिंह बादल, मुक्तसर से चुनाव लड़ेंगे पंजाब के पूर्व सीएम। चुनावी गहमागहमी के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे सुखबीर बादल, पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ टेका मथा। अमृतसर के हलका पूर्वी में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने पहुंची नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के नौजवानों के विदेश पलायन पर जताई चिंता। नवजोत कौर सिद्धू का कैप्टन अमरिंदर पर बड़ा बयान, बोली 5 साल में कोई काम नहीं किया, जिसके बाद समूह मंत्रिमंडल ने उनसे इस्तीफा लेने का फैसला किया। एनटीपीसी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की नाराजगी बरकरार, छात्रों ने रेलवे भर्ती बोर्ड पर लगाए आरोप। जहानाबाद में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर किया जबरदस्त हंगामा, ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से की तोड़फोड़ नहीं करने की अपील, कहा आप हमारे भाई, रेलवे आपकी ही संपत्ति। छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने किया कमेटी का गठन, छात्रों की शिकायतों को लेकर जांच, 4 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। छात्रों के हंगामे को लेकर राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हुआ, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, पुलिस की सख्ती का किया विरोध। बिहार के गया में रेलवे ट्रैक पे बवाल के चलते जहां तहां रुकी ट्रेन, बेहाल हुए रेल मुसाफिर। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,85,000 से ज्यादा नए मामले, 16.16 रहा पॉजिटिविटी रेट। देश में 22,23,018 एक्टिव केसेस, रिकवरी रेट हुआ 93.23%। अब तक 162.86 करोड़ लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका, लगभग 70 करोड़ को लग चुकी है दोनों डोजेस। दिल्ली में 24 घंटे में 7,498 नए मामले, संक्रमण दर 10.59%। दिल्ली में कई कोरोना पाबंदियों को हटाया जा सकता है, डीडीएमए की पाबंदियों को लेकर आज अहम बैठक होगी। स्मार्टफोन से होगा कोरोना का टेस्ट, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार की टूल किट जिसमें मोबाइल फोन मदद से मिलेगी कोरोना की रिपोर्ट। टूल किट मदद से आरटीपीसीआर जितनी ही एक्यूरेसी से किया जा सकता है सैंपल टेस्ट, डिटेक्टर की मदद से कोरोना वायरस का लगेगा पता। दिल्ली के रहने वाले अभियान का 4 साल की उम्र में कमाल, नंबरों की काउंटिंग का उस्ताद है अभियान, 1,000 तक नंबर के एडिशन नहीं आती कोई भी समस्या। गुलाम नबी आवाज आजाद को पद्म भूषण अवार्ड पर कांग्रेस में सियासी संग्राम, कपिल सिब्बल बोले देश कर रहा है सम्मान और पार्टी को उनकी नहीं है जरूरत। टीएमसी की सुष्मिता देव ने प्रणब मुखर्जी और तरुण गोगोई का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा, पूछा क्या उन्हें सम्मान मिलने से वो गुलाम हो गए। आज दिल्ली की 75 जगहों पे फहराया जाएगा 115 फीट ऊंचा तिरंगा, सीएम अरविंद केजरीवाल के देशभक्ति बजट के तहत होगा ये कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस के मौके पे रोशनी से सराबोर दिखी राजधानी दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन में दिखी शानदार लाइटिंग। लेजर लाइटिंग के जरिए दिखी आजादी के 75 वर्ष और आजादी के अमृत महोत्सव की झलक, रायसीना हिल्स का दिखा अद्भुत नजारा।
विजय चौक पे 1000 ड्रोन से उकेरी गई देश के नक्शे और महात्मा गांधी की तस्वीर, करीब 10 मिनट तक दिखा ड्रोन शो का आकर्षक नजारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह, स्कूली छात्रों ने बैंड में बजाए देशभक्ति के धुन। राजपथ की रौनक बना सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार बैंड, दुनिया में अपनी तरह का इकलौता बैंड ये है। राष्ट्रपति के काफिले में शामिल घोड़े विराट का रिकॉर्ड, 21 साल की उम्र में रिटायर, आज थी आखिरी परेड, पीएम ने थपथपाई पीठ। गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की रंगत, गुजरात की झांकी में आदिवासी क्रांतिवीरों का प्रदर्शन, गैर नृत्य का भी प्रदर्शन। वैष्णो देवी के साथ कई मंदिरों के साथ सजी थी जम्मू कश्मीर की झांकी, चिनाब पर बना रेलवे का सबसे ऊंचा पुल खास आकर्षण। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी कॉरिडोर के विकास को दिखाया गया, शिल्पकार और बुनकारों के योगदान की झलक दिखाई गई। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों की जाबाजी, 14,000 फीट की ऊंचाई, 0 से 30 डिग्री नीचे तापमान में लहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश में भी हिमवीरों ने दिखाया हौसला, 16,000 फीट की ऊंचाई पे झंडे को दी सलामी। लद्दाख में आईटीबीपी के प्रहरी 0 से 40 डिग्री नीचे तापमान में तैनात, 17,500 फीट की ऊंचाई पे फहराया तिरंगा। एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस, सरहद की सुरक्षा का किया संकल्प। वाघा बॉर्डर पे गणतंत्र दिवस का उत्साह, पाकिस्तान के सैनिकों को दी मिठाई। विदेशों में भी मना गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम, दक्षिण कोरिया में पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। न्यूजीलैंड के भारतीय उच्चायोग में गणतंत्र दिवस का आयोजन, उच्चायुक्त मुक्तेश परदेशी ने लॉन्च किया हैंडबुक। गणतंत्र दिवस के मौके पर स्पेन में फहराया गया तिरंगा, स्थानीय भारतीयों ने गाया राष्ट्रगान, राष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ा। नेदरलैंड्स में भी दिखी गणतंत्र दिवस की धूम, डच कलाकार ने स्टेज पे कत्थक कर बांधा समा। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न, मेरठ का औघड़नाथ मंदिर तिरंगे के रंग में रंगा। प्रयागराज के माघ मेले में साधु संतों ने मनाया गणतंत्र दिवस, कल्पवासी भी शामिल। उत्तराखंड की माना घाटी में गूंजे देशभक्ति गीत, जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प, आनंद निकेतन कॉलेज के 200 छात्रों ने लिया हिस्सा। ओडिशा के मलकानगिरी में दुर्गम स्थानों से मरीजों की मदद के लिए बीएसएफ ने चलाई बोट एम्बुलेंस, स्थानीय लोगों के लिए बीएसएफ की शानदार पहल। गणतंत्र दिवस पे पीएम मोदी की टोपी की हो रही है चर्चा, उत्तराखंड की ब्रह्म कमल पहाड़ की टोपी पहने नजर आए पीएम, मसूरी में टोपी डिजाइन करने वाले सोहम, हिमालयन सेंटर के लोगों का बड़ा हौसला। मुंबई में महिला सुरक्षा के लिए अब महिला स्पेशल स्क्वाड, पुलिस ने दिखाई गंभीरता, निर्भया स्क्वाड महिला सुरक्षा में रहेगी तैनात। सहारनपुर के किसान को पद्मश्री पुरस्कार, सेठपाल सिंह को मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। मुंगेर के ऐतिहासिक किले का अब होगा कायाकल्प, पर्यटन विभाग ने उठाया राजा मीर कासिम के किले का जीर्णोद्धार का बीड़ा।
जशपुर में शहीद बेटे की याद में मां ने बनाया स्मारक, शहीद की आदमकद प्रतिमा को देती है जीवित बेटे जैसा दुलार। रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को देखने को मिला रोमांचक नजारा, बाघ नूर ने किया जंगली सुअर का शिकार। जम्मू कश्मीर में लगातार गिर रही है बर्फ, जम्मू श्रीनगर हाईवे पे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पे रुका ट्रैफिक, रास्ता खोलने की कोशिश की गई। डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी, शिमला में फिर से गिरी बर्फ। मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन, पर्यटकों की मस्ती। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली 3-3 मैचों की वनडे और 2020 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट्स में हुई वापसी। विराट कोहली खेलेंगे दोनों सीरीज, भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम से बाहर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दिया गया आराम। कुलदीप यादव की टीम में वापसी, वनडे टीम में हुए शामिल 21 साल के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार 2020 और वनडे टीम में मिली जगह। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की नहीं हुई टीम में वापसी, चोट के कारण अफरीदी दौरे से बाहर हैं सर जडेजा। 6 फरवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे वनडे के सभी मैचेस। 16 फरवरी से खेली जाएगी 2020 सीरीज। अमेरिका में लोगों को मुफ्त बांटे जा रहे हैं N95 मास्क, कोरोना को काबू में करने की कवायद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पे प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका, बाइडेन बोले अगर यूक्रेन पे हमला किया तो निजी पाबंदी लगाने पे होगा विचार। यूक्रेन के प्रति रूस के आक्रामक रुख पे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने संसद में दिया बयान, बोले आक्रमण किया गया तो मिलेगा कड़ा जवाब। रूस ने आक्रमण के सारे आरोपों से किया इनकार, कहा यूक्रेन पर हमला करने की नहीं है कोई भी योजना। 2015 के परमाणु समझौते पर ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा बयान, बोले अगर अमेरिका सारे प्रतिबंध हटा दे तो हम फिर से समझौते का पालन करेंगे। इक्वाडोर में गर्भपात को वैध करने की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन, राजधानी क्विटो में पोस्टर बैनर लेकर निकाला गया मार्च। मेक्सिको में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन, 3 रिपोर्टर्स की हत्या को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राष्ट्रीय दिवस मना रहा है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के हार्बर ब्रिज और राजधानी कैनबरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन। जर्मनी में कोरोना की वैक्सीन का विरोध करने वालों के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, राजधानी बर्लिन में प्रदर्शन, जल्द टीका लगाने की अपील। पेरिस के फैशन शो में अद्भुत नजारा, कैटवॉक करता दिखाई घोड़ा।